हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम प्रतीक कुमार फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी. टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स, दैट इज चैप्टर 8 वो क्लास 9th. टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9. अप टू क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, we have given a parallelogram ABCD. In which BD is a diagonal. P and Q are two points on diagonal BD. Such that DP equals to BQ. Clear? Now, we have to prove the following parts. First part is triangle APD is congruent to triangle CQB. In second part, we have to show that AP equals to CQ. In third part, we have to prove that triangle AQB is congruent to triangle CPD. And in the fourth part, we have to show that AQ equals to CP. And fifth and in the last part, we have to prove that APCQ is a parallelogram. Clear? So now proof is first part. First of all, I will select triangle APD and triangle CQB. In triangle APD and triangle CQB, AD equals to BC. AD will be equals to BC because ABCD is a parallelogram and we know that opposite sides of parallelogram are equal. Therefore, AD equals to BC. Opposite sides of parallelogram. Parallelogram को हम short में कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है? Second, DP equals to BQ. This is given. DP equals to BQ. Given. Now, this is, suppose this is angle 1 and this is angle 2. Angle 1 will be equals to angle 2. कैसे angle है? Alternate interior angles. Angle 1 equals to angle 2, alternate angles. तो देखो, side, angle, side, SAS, congruency rule से दोनों triangle क्या हो गई? Congruent. Therefore, triangle APD is congruent to triangle CQB. CQB by SAS rule. अब ये दोनों triangle congruent हो गई. Second part, we know that if two triangles are congruent, then their corresponding sides or corresponding angles are also equal. Hence, in triangle APD, side AP, and in triangle CQB, side CQ, will be equal by CP CT. Therefore, AP equals to CQ by CP CT. Clear second part? In third part, we have to prove triangle AQB is congruent to triangle CPD. So, I will select the triangles AQB, triangle AQB and triangle CPD. तो हम कौन सी ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे? ए क्यू बी, क्योंकि यही हमें क्या करनी है? कॉन्ग्रेंट प्रूफ. तो ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी. ये किसका साइन है यहाँ पर? ट्राइंगल का, सी पी डी. तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ट्राइंगल ए क्यू बी में साइड ए पी है और सी पी डी में साइड सी डी इक्वल होंगी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम. तो ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो पैरेललोग्राम. क्लियर? सेकंड, इस ट्राइंगल ए क्यू बी में बी क्यू साइड आ रही है, यहाँ पे कौन सी आ रही है? डी पी. तो बी क्यू इक्वल्स टू डी पी, ये हमें गिवन है. दो पॉइंट हो गए. थर्ड देखो, इस ट्राइंगल में इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 3 और इसको नेम देता हूँ यहाँ पर एंगल 4. एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स.
कैसे एंगल हैं ये, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, तीन पॉइंट हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाई एस ए एस रूल। एस ए एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट। फोर्थ पार्ट, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसमें साइड कौन सी आ रही है, ए क्यू, और इसमें कौन सी साइड है, सी पी। ये क्या होंगी, इक्वल बाई सी पी सी पी। देखो ए क्यू इक्वल्स टू सी पी बाई सी पी सी पी। फोर पार्ट सोल्व हो गए। लास्ट पार्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पर हमने प्रूव किया ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। क्या प्रूव किया था, ए पी किसके इक्वल था, सी क्यू के इक्वल प्रूव किया हमने। फिर हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, ए क्यू किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल। ठीक है, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पी सी क्यू, इन ए पी सी क्यू बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट को शॉर्ट में से लिख देते हैं अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ए पी सी क्यू क्या होगी, एक पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूव करना है। लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूफ। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच बी डी इज ए डायगनल एंड ए पी एंड सी क्यू आर टू परपेंडिकुलर्स, ए पी एंड सी क्यू आर टू परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगनल बी डी। देन वी ए पी, इट मीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। किसका साइन बेटा, ये परपेंडिकुलर का, जो उल्टा टी बना रखा मैंने, किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। तो ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी डी। देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। तो हमें ये प्रूव करनी है। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू प्रूव दैट ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी किसके इक्वल होगा, सी क्यू के, ये हमें प्रूव करना है। सो आवर प्रूफ इज इन, सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट ट्राइंगल ए पी बी एंड इन ट्राइंगल सी क्यू। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, तो देखो ट्राइंगल ए पी बी की बात करता हूँ, उसमें साइड ए बी है और सी क्यू डी में सी डी है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर, अब देखो सेकंड, अब ये ए पी परपेंडिकुलर था तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब सी क्यू भी इस बी डी पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 90 का। इसको मैं नेम देता हूँ एंगल 1, इसको नेम देता हूँ एंगल 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज 90 डिग्री। क्लियर, अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड क्या होंगी, पैरेलल, पैरेलल होंगी, तो इसमें ये एंगल, इसको नियमित एंगल 3 और इसको नियमित एंगल 4। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स, अगर साइड्स पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर, तीन पॉइंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ये किसका साइन है, कॉन्ग्रेंस का, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी बाई, देखो यहाँ पर एंगल एंगल साइड ए ए एस कॉन्ग्रेंस रूल बाई ए ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई एंड वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल।
तो इस ट्राइंगल ए पी वी में साइड कौन सी है, ए पी, और इसमें साइड कौन सी है, सी क्यू, क्या होंगी, इक्वल बाई सी पी सी। देयरफॉर ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाई सी पी सी पी। और यही हमें क्या करना था, लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस रू। क्लियर। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 रह गए, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आपको, ठीक है।